अभी हम लोग जो है लोनावला में आ चुके हैं और अभी हमें रास्ते में जो है ये काइंड ऑफ वाटरफॉल टाइप दिखा छोटा सा, तो हमने कहा चलो यहाँ पे रुकते दिख रहे हो जरा, ये भाजे वाटरफॉल करके है और अभी हमने कहा कि चलो यहाँ पे आते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं और इधर से जो है लोग ऊपर भी जाते हैं बेसिकली हाइकिंग करने के लिए, वहाँ ऊपर से भी लोग जो है मतलब बेसिकली व्यू का एकदम लुफ्त उठाते हैं। सो लोग ऊपर भी जाते हैं, बाकी हम लोग तो अभी यहीं पर जा रहे हैं बिकॉज अभी हम तीनों ही हैं। हमने कहा चलो यहीं तक चलता है, पापा कार में बैठे उनको भी नहीं आना। हमने कहा चलो अपन चलते हैं। अच्छा चढ़े ऊपर, तो सामने ये जो छोटा वाटरफॉल है इसके सामने जो है यहाँ पे खूब सारे फूड स्टॉल्स भी हैं, जैसे कि इधर ये वड़ा पाव वाले हैं, ये भुट्टा वाले हैं, एंड फिर उसके बाद देखो आगे और भी खूब सारे हैं लाइन टू लाइन, तो यहाँ पे खाने की भी कोई ऐसी टेंशन नहीं है। सो फ्रेंड्स ये देखो ज़रा यहाँ पे जो रेलवे क्रॉसिंग है बेसिकली यहीं से हमें जाना रहेगा, तो अभी फाटक बंद है, अभी 5 मिनट में खुलेगा। बेसिकली हम लोग जो थे ना, हम लोग ये जो वाटरफॉल आए थे हमारे विला से काफ़ी ज़्यादा पास था, इस वजह से हमने कहा चलो आते हैं। एंड अभी हमें साथ में ये भी देखने को मिल गया अपना रेलवे क्रॉसिंग, अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे, बस खुलने ही वाला है। बिट्टी ने जो साथ में बबल भी लिया, ये वाले हमने जो इससे नेगोशिएट कराया था, हाँ नेगोशिएशन कराया था हमने उससे, क्या की था क्या की था, बार्गेन किया था नहीं देखो नेगोशिएशन हमारी ब्रांड उसमें वो रहता है ना, नेगोशिएट इज न्यू डिस्काउंट। बेबी यू गिव मी आइस एंड फायर, यू गिविंग मी विंड एंड रेन, यू सम काइंड ऑफ बटरफ्लाई। अभी हम लोग जो है हमारे विला पे पहुंच चुके हैं, बेसिकली यहाँ पे हमारा ये विला है और अभी हम लोग यहीं पे रुकने वाले हैं। हमें मिला है स्टे किश बाय पाव मनोर, सो ये जो है ये स्टे पूरा हमारे लिए फ्री है, एंड एक तरह हमें कोलैबोरेशन आया हुआ है। सो ये देखो जरा कितना प्यारा विला है भाई, सो फ्रेंड्स आ जाओ चलो अपन चलते हैं अपने विला में। एंड ये पूरा जो है काइंड ऑफ 6 इंच की विला है पूरा हमारे लिए ये डेडिकेटेड। सो ये देखो भाई यहाँ पे बाहर टेबल टेनिस खेलने के लिए बोर्ड है और बाकी ये रहा अपना, वाओ भाई मस्त है यार, बजा रहे चल सर, सही। So this is the entrance and there are total 4 villas. Okay, this is the Russet villa. So ये जो यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो, सीढ़ियाँ हैं and the first room you get is over here. यहाँ से आपका ये पहला room शुरू हो जाता है, ये आपका पहला room and it is also a luxurious room. Then you get a kitchen over here. यहाँ पे किचन है, अगर आप अपने साथ भाई कुछ लेके आना चाहते हो खाने पीने का यहाँ पर बना भी सकते हो साथ में। यू गेट अ गैस स्टोव एंड यू हैव अ फ्रिज, ऑल्सो यू गेट अ माइक्रोवेव, और अगर आपको कपड़े धोने तो भाई आपके पास एक वॉशिंग मशीन भी है साथ में, यू गेट अ प्यूरीफायर। और फिर उसके बाद ये है अपना लिविंग एरिया, इधर जो आपको भाई मस्त एकदम सोफाज़ हैं, काउच है, ऑल्सो यू गेट अ टीवी, अगर आपको टीवी देखनी भाई आराम से टीवी देख सकते हो, आपको एक पंखा मिल रहा है साथ में। यू गेट अ पार्टी स्पीकर ओवर हेयर, अगर आपको भाई पार्टी करनी गाने वाने बजाने, अगर आप स्पीकर लाना भूल गए हो तो आपको स्पीकर मिल रहा है भाई, ब्लूटूथ स्पीकर है, पार्टी स्पीकर है, मस्त उठाओ कहीं भी और आराम से पार्टी करो, इतना लाइट वेट है भाई और क्या चाहिए। यू ऑल्सो हैव अ पार्टी स्पीकर, स्मार्ट टीवी, आराम से अपने दोस्तों के साथ मूवीज देखो, बिंज वॉच करो, एंड फिर उसके बाद यहाँ से भाई आराम से पूल का ही मज़े उठाओ, यहाँ से आप देख सकते हो पूल को इफ़ यू वांट। और बाकी फिर यहाँ से आपको एक अमेजिंग व्यू मिलता है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी विंडो है, मस्त उसको खोलो हवा आएगी। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे जो है कि पोर्टेबल कूलर भी है, काइंड ऑफ एसी का काम कर रहा है ये, हाँ देखो भाई एसी ठंडक दे रहा है। एंड यू गेट एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए अगर आपको खेलना है भाई इंडोर गेम्स भी हैं, देखो यहाँ पे अपना कैरम है, बाहर जो आपको टेबल टेनिस भी है, मैं आपको टेबल टेनिस दिखाता हूँ, इधर टेबल टेनिस भी है तो आप यहाँ पे टेबल टेनिस भी खेल सकते हो आराम से, झूला भी है और इंजॉय कर सकते हो मस्त, यहाँ पे बैठ के आराम से चाय वाय पी सकते हो और मस्त व्यू को एंजॉय कर सकते हो। वाह तू अकेले रह भी पाएगी सर, कैसे रहेगी, तेरे को आदत है तो कमरे से बाहर नहीं निकलती अच्छे से। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग ने सबसे पहले अपना लंच कर रहे हैं जो कि है पनीर की सब्जी, साथ में भिंडी की सब्जी, दाल और रोटी, ये जो ये लोग यहीं पे सब कुछ पूरा बनाते हैं। सो अभी इन लोगों का ये है लंच।
अभी हमारा लंच हो चुका है साथ में, अचानक से क्या है यहाँ बेसिकली लोनावला में जो है लाइट का बहुत इशू है। सो अभी यहाँ पे जो लाइट जा चुकी है और इन्वर्टर जो था काफी देर से ऑन था, लेकिन अभी इन्वर्टर बंद हो गया। सो अभी जो है बिट्टी मेकअप कर रही है क्योंकि हमें जो थोड़ी वीडियोज बनानी है, तो बिट्टी मेकअप यहीं पे कर रही है बाहर आराम से बैठ के, एकदम फुल हवा चल रही है। सो फ्रेंड इट्स टाइम राइट नाउ 4:30 और अभी हम लोग ने थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, हमने जो है दो वीडियोस बनाई एंड अभी जो हम लोग सोच रहे हैं कि और वीडियो शूट करने हैं, हमने थोड़ी देर आराम करते हैं। साथ में भी हुआ क्या था, काफ़ी देर तक लाइट नहीं थी बिकॉज लोनावला में जो है लाइट काफ़ी ज़्यादा जाती है एंड आप कहीं भी चले जाओ वहाँ पे लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, भले ही जनरेटर इन्वर्टर सब कुछ हो लेकिन थोड़ा होता है। तो वही मैं बोलना चाहूँगा, लेकिन आप लोगों को अपना बेसिकली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ लोनावला का। लोनावला बहुत अच्छा है यार, लाइक जेन्युइनली बहुत मज़ा आ रहा है यार इधर एंड साथ में ये विला भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बस अभी बारिश के टाइम भी ये हो रहा है कि यार यहाँ पे कीचड़ कीचड़ बहुत हो रहा है, बारिश में होता ही है, और साथ में क्या यहाँ पे लाइट बहुत जा रही है। तो बेसिकली ऐसा है कि कम से कम आधे घंटे एक घंटे तक लाइट नहीं थी हमारे यहाँ। तो अभी आई है जस्ट, मैंने कहा चलो व्लॉग भी करता हूँ एंड अभी हम लोग जो थोड़ी देर आराम भी कर रहे हैं और साथ में क्या है कि अभी हम लोग पूल में इसलिए नहीं जा रहे बहुत बारिश है यार, कहीं अभी लाइक ठंड वंड ना लग जाए और सर्दी खांसी ना हो जाए, बिकॉज अभी हम लोग जस्ट ठीक ही हुए। इस दिन से मैं व्लॉग इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा सा फीवर था, बट अभी जब मैं प्रॉपर ठीक हो चुका हूँ, बट फिर भी मैं वापस पूल में जाने का प्रेफर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आऊँगा फिर बाहर गीला होऊंगा, हवा लग जाएगी। दिस विला इज वेरी गुड भाई, वेरी लग्जरियस, लाइक सीरियसली हमें भाई कुछ भी नहीं करने की जरूरत पड़ रही है, हम डायरेक्ट भाई मैनेजमेंट को फ़ोन कर रहे हैं, मैनेजमेंट सब कुछ कर दे रहा है। ये जो है यहाँ पे हम काफ़ी सारी वीडियोस बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा है भाई। अगर आप देखो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ आ रहे हो, कजन्स के साथ आ रहे हो, तो बहुत अच्छा है भाई। मतलब यहाँ पे आपको 6 कमरे मिल रहे हैं, ठीक है, लाइक इस फ्लोर पर 3 है, 1 नीचे है, तो 4 हो गए और 2 ऊपर है भाई, टेरिस पे भी है, 1 टेरिस पे है और 1 भाई टेरिस के पहले जो है आपको चले कमरे दिखाते हैं। सो बेसिकली ये देखो ये है पूरी भाई बालकनी, यहाँ पे आप आराम से चिल करो, जो भी आपको करना है मस्त एकदम चिल आउट कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है यहाँ से टेरेस पे जाने का है, ठीक है, ये मिड टेरेस कह सकते हैं हम काइंड ऑफ, तो मिड टेरेस जाने के लिए यहाँ से है, तो आप यहाँ से आ सकते हो ये टेरेस पे एंड यहाँ से भाई व्यू बहुत अच्छा है। देखो जरा इधर मैं आप लोगों को पहाड़ वहाड़ कवर करके दिखाता हूँ, ये देखो जरा पहाड़ कितने मस्त है भाई, यहाँ से अलग ही व्यू दिख रहा है भाई, ये देखो। फिर उसके बाद द 5th रूम यू गेट इज हेयर, आपको इधर एक 5वां रूम मिल रहा है। सो ये रहा 5th रूम, ये भी काफ़ी अच्छा है भाई, डबल बेड है, आराम से इस रूम में 2 लोग आ सकते हैं, साथ में एक्स्ट्रा बेड्स भी दिए हैं एंड यहाँ से फिर देखो कितना मस्त व्यू है भाई, डायरेक्ट मतलब आप उठोगे एंड आपको भाई डायरेक्ट इतना क्लियर व्यू मिल रहा है, देख रहे हो जरा भाई पूरा यहाँ से दिख रहा है यार, कितना मस्त व्यू आ रहा है कसम से, यहाँ पे सो सकते हैं लेकिन भाई टेरेस पे तो थोड़ा सा डर लग रहा है, इस वजह से हम लोग नीचे ही हैं, एक ही फ्लोर पे हम लोग हैं सब साथ में। फिर उसके बाद ये एक और है भाई, यहाँ से भी आप ऊपर जा सकते हो, ये मेन सीधा टॉप पे जा सकते हो एंड यहाँ पे भी रूम है, आपको दिखाता हूँ, देखो सीढ़ी चढ़ के आप आए एंड देन यू गेट दिस रूम, ये वाला भी भाई अच्छा है बट हमें ये वाला क्यों प्रेफरेबल नहीं लगा बिकॉज बहुत ऊपर है यार एंड ये देखो जरा ये भी कितना भाई प्यारा रूम है, देख रहे यहाँ से भाई आपको व्यू अच्छा मिल सकता है लेकिन ये सामने का पानी डायरेक्ट आता है तो इस वजह से हम लोग ये वाला रूम प्रेफर नहीं कर रहे। बाकी 2 लोगों के लिए भाई बहुत अच्छा रूम है यार, देख रहे हो जरा कितना प्यारा है। थैंक यू सो मच पाम मनोर फॉर दिस ब्यूटीफुल स्टेकेशन एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इधर। सो चलो अभी अपन नीचे चलते हैं, अब ये हो गया थोड़ा सा रूम टूर, आ जाओ बाहर चलते हैं। इधर से जो है ना ये मानो हाफ लोनावला दिख जाता है और ये देखो आपको शायद ट्रेन की आवाज़ आई होगी, तो वो देखो जरा उधर ट्रेन जा रही है, इधर से आपको भाई ट्रेन का व्यू मिल रहा है भाई, और क्या चाहिए मुझे बताओ, वो देखो जरा दिख रही ट्रेन यहीं से भाई, स्टेशन का भी व्यू डायरेक्ट पॉइंट। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम बाय ट्रेन और लोकल समथिंग, सो आप लोगों को जो है भाई बहुत ही इजी पड़ेगा, तो स्टेशन यहाँ से भाई डायरेक्ट सामने स्टेशन है, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से लावली स्टेशन पे उतर सकते हो एंड आपको ये लाइक प्रॉपर्टी मिल जाएगी एंड यू कैन ईजिली स्टे ओवर हेयर एंड यहाँ पे जो बेसिकली 4 विलास हैं, एक ये है, एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इज दिस वन एंड फोर्थ इज दैट वन जो सामने ही है, तो इट्स अ 6 BHK विला एंड इट्स टोटली अ लग्जीरियस विला एंड इन सबकी जो है प्राइस कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, लाइक आप सबके जो है प्राइस ऑलमोस्ट सेम है एंड एवरी सिंगल विला हैज द सेम अमेनिटीज एज द अदर वंस, लाइक भाई सबके अमेनिटीज सेम है, आपको एग्जैक्ट 6 BHK विला जो है सभी में मिल पाएगा एंड यू कैन ईजीली फैमिली फ्रेंड्स कजन रिलेटिव विद एनी वन, नो डाउट आप जो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने लव्ड वंस के साथ यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो एंड बहुत ही ब्यूटीफुल। हम लोग जो है ना यहाँ पे इतने हम लोग जो इतनी देर से ऊपर नीचे कर रहे थे, अब यहाँ पे हम वीडियोस भी बनाएंगे मस्त एकदम, देख रहे हो जरा यहाँ पे हवा भी कितनी अच्छी चल रही है, लाइक अगर आपको आराम से चिल भी करना है मैं आराम से यहाँ पे खड़े रह सकता हूँ 5-10 मिनट तक, इतनी मस्त हवा चल रही है, अलग ही एकदम भाई भाई भाई।
और देखो जरा साथ में जो है भाई इतना बड़ा आपको टेरेस मिल रहा है यहाँ पे। आप जो भाई कम से कम ये मानो भाई आराम से भाई 15 से 20 लोग जो है ना इधर पार्टी कर सकते हैं भाई, एकदम भाई फुल आपको इतना बड़ा मिल रहा है। देख रहे हो भाई गैलरी, यहाँ पर आप आराम से भाई वीडियोस बना सकते हो, पार्टी कर सकते हो, कुछ फंक्शन वंक्शन करना है ये भी कर सकते हो। यहाँ पे इवन यू गेट अ हॉल, मैं आपको नीचे हॉल दिखाता हूँ, एंड ऑल्सो यू गेट अ हॉल स्टेज ओवर हियर। अगर आप लोगों को भाई कुछ फंक्शन कराना है तो इधर आप आराम से करा सकते हो, अपने बेसिकली यहाँ पे मैनेजर को बोल सकते हो, यहाँ पे बात कर सकते हो, ये प्रॉपर स्टेज है, इधर आपका सेटअप हो जाएगा। एंड अगर आपको किसी कुछ फंक्शन करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो, बर्थडे पार्टी, शादी कर सकते हो, इवन शादी के लिए भी भाई कंफर्टेबल रहेगा। अगर आप एक वेडिंग डेस्टिनेशन कर रहे हो तो उसके लिए भाई कंफर्टेबल है यार, इतना स्टेज आराम से, यहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठ सकते हैं बीच में, पूरा आराम से सीट बन सकता है भाई। देखो वहाँ से एंट्री भी हो जाएगी, एकदम प्रॉपर एंट्री यहाँ पे आए स्टेज पे, पीछे आराम से डीजे वीजे लग सकता है, रिलेटिव सारे रह सकते हैं भाई, रिलेटिव की रहने की कोई झंझट ही नहीं, आराम से भाई रिलेटिव्स और जो दूल्हा दुल्हन है वो लोग भी इसमें रह सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, ऊपर आराम से दूल्हा दुल्हन रहती है और क्या चाहिए भाई, सब कुछ है सब कुछ। ऑल्सो यू गेट अ वाई फाई ओवर हेयर, यहाँ पे अगर आपका नेटवर्क का इशू हो रहा है, अगर आपको कोई सिम प्रोवाइडर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे नेटवर्क, सो यू ऑल्सो गेट अ वाई फाई, सो आपका काम भी भाई रुकेगा नहीं, मस्त आराम से अपना लैपटॉप लेकर आओ, वर्क फ्रॉम लोनावला भी कर सकते हो आप। एंड साथ में देखो जरा यहाँ पे आप आराम से अपने फैमिली के साथ चिल कर सकते हो ऑल्सो। सो फ्रेंड्स ये देखो, पहले तो यहाँ पे भाई जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको मस्त इतना बड़ा गार्डन मिल रहा है, एंड यहाँ पे भाई आराम से आपके लाइक कोई अगर आपके भाई बहन है कजन है वो खेल सकते हैं, आप लोग यहाँ पे आराम से इंजॉय कर सकते हो। देन यू गेट अ स्विमिंग पूल, ओके, ये आपका भाई प्रॉपर स्विमिंग पूल रहेगा, पर्सनल स्विमिंग पूल, यू कैन ऑल्सो इंजॉय ओवर हेयर। ये देख रहे हो जरा भाई इतना बड़ा स्विमिंग पूल मिल रहा है और क्या चाहिए, यू गेट एवरीथिंग ओवर हेयर। सो आ जाओ फ्रेंड्स, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार टूर तो दे ही दिया है, अभी अपन थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद रेस्ट करने के बाद डायरेक्ट मैं आपसे मिलता हूँ शाम को, जब हम चाय नाश्ता करेंगे तब मैं उसके बाद मिलता हूँ।